गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर यू वेरी फाइन। नाउ स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। आज हम इंग्लिश में ए एस फोनिक साउंड के थ्री लेटर वर्ड्स सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ए एस, ए ज, ए का फोनिक साउंड होगा आए, आए से ऐनक, एस का फोनिक साउंड होगा स, स से सपना, ए स। ओके, अब हम इसके थ्री लेटर वर्ड्स देखते हैं। एच ए एस, एच ए एस, एच का फोनिक साउंड ह, एच का फोनिक साउंड होगा ह। ओके, ए से आए, आए से ऐना, एस से स, स से सपना, एच ए एस हैज, एच ए एस ह ए ज हैज, क्या पढ़ेंगे इसको, हैज। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स जी ए एस, जी का फोनिक साउंड है ग, जी सेज ग, ए का फोनिक साउंड है अए, ए सेज अए, एस का फोनिक साउंड है स, एस सेज स। अब इनको हम साथ में क्या पढ़ेंगे, ग ए ज, गैस, क्या पढ़ेंगे, गैस, जी ए एस, गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होंगे। एच ए एस हैज, हैज सेज पास होना, हैज का मीनिंग होगा पास होना, गीता हैज बुक, गीता के पास बुक है। ओके, नेक्स्ट है जी ए एस, गैस, गैस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रकार के गैस होते हैं, जैसे हमने देखा है कंपनियों से कितने प्रकार की गैस निकलती हैं, और किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो सिलेंडर में जो गैस होता है वो, अभी सबके घरों में गैस पाइपलाइन है, तो इस तरीके से बहुत सारे गैस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों वर्ड्स के आपको मीनिंग समझ में आए होंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है घर पे, ओके, और इसका रिटर्न वर्क भी करना है। थैंक यू।